एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीईटी एग्जाम के बारे में। आप सभी लोगों ने इसका नाम सुन रखा होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सरकार ने कब प्रस्तावित किया था और कब ये होने वाला है और क्या ये उस तय समय पर होगा या नहीं होगा, इन सारी बातों को हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा अगर आप इस पूरे सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर आई स्टार्ट, आपको अनअकैडमी पर मेरे आने वाले बैचेस के बारे में बता दूं। आपका पहली बात तो एसएससी और रेलवे का सब्सक्रिप्शन अगर आप कॉम्बिनेशन में लेते हैं तो आपको 70% तक डिस्काउंट मिल सकता है। तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। कंप्लीट इंग्लिश का कोर्स आज से शुरू हो गया है, आप इसमें जाके एनरोल कर सकते हैं। कंप्लीट अंग्रेजी इसमें पढ़ सकते हैं, 1 जून से लेकर 30 जून तक ये बैच चलेगा। दूसरा बैच है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और idiom phrases। अगर आप ये दो चैप्टर तैयार करना चाहते हैं तो आप इसमें ज्वाइन कर लीजिए। 2 जून से 16 जून तक ये बैच होगा, कंप्लीट वन वर्ड और idioms हमारे हो जाएंगे। 17 जून से एक और बैच शुरू हो रहा है एरर डिटेक्शन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अनअकैडमी पर बहुत सारे बैचेस हैं, जैसे कि टीम ऑल स्टार्स बैच है आपका, इस आखिरी पड़ाव बैच है, सफलता संकल्प 1000 प्लस सिलेक्शन बैच है, सफलता बैच है आपका, साथ ही साथ आपका एमएससी एमटीएस बैच है, स्टेनोग्राफर सीपीओ के लिए बैच है, कांस्टेबल जीडी कांस्टेबल के लिए बैच है, सीईटी ब्रह्मास्त्र बैच है, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप इनका सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड AMANT इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपको 12 महीने का सब्सक्रिप्शन जो है जो 6500 रुपये का है उस पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आप डिस्काउंट अवेल करना चाहते हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हैं, तो आप स्क्रॉल में मेरा नंबर दिया है उस पर व्हाट्सएप करिए और वहाँ से आपको इसका जवाब मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी पर कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करते हैं तो आप फ्री अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन जीत सकते हैं। एवरी संडे एट 12 PM अनअकैडमी पर फ्री अनअकैडमी कॉम्बैट होता है। इस कॉम्बैट में अगर आप पार्ट कर लेते हैं और अगर आपकी 1 से लेकर 3 तक रैंक आती है, यानी 1, 2, 3 आती है, तो आपको 1 साल का अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। 4 से 10 आती है तो आपको 4 to 10 75% स्कॉलरशिप मिलेगी। 11 to 50 आती है तो 50% स्कॉलरशिप मिलेगी। 51 to 500 आती है तो 25% स्कॉलरशिप मिलेगी। इसमें एनरोल करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और मेरा जो रेफरल कोड है वो AMANT एंटर करके आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अलावा जो है आपका ऑलराइट, तो शुरू में इसके अलावा मेरी 2 क्लासेस फ्री चलती हैं अनअकैडमी पर, 1 PM पर और 1 5 PM पर, दोनों ही फ्री क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लो। ये मेरा चलता है आपका इस पे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट सेक्शन में पिन है, इसको ज्वाइन कर लीजिए @AmanTrivedi से। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं किया है तो उस पे भी फॉलो कर लीजिए, हैंडल आपको दे दिया है। अब बात करने वाले हैं हम किसके बारे में, सीईटी के बारे में। तो सबसे पहले बात करें ये शेड्यूल्ड कब है, तो छोटी सी मैं आपको एक लाइन में बता दूं सीईटी क्या है। सीईटी आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो कि प्रपोज किया है गवर्नमेंट ने। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक नई बॉडी बनाई है जिसका नाम है NRA, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। इसका काम क्या होगा, सीईटी को कंडक्ट कराना। सीईटी कंडक्ट किस लिए कराया जाएगा, सीईटी कंडक्ट कराया जाएगा IBPS, SSC और रेलवे, तीनों ही जो परीक्षाएं, तीनों ही जो पेपर हैं, इनके जो अभ्यर्थी हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, तीनों को क्लब कर देंगे एक तरीके से। क्या होगा, एक पेपर होगा, एक एंट्रेंस होगा, जिससे आपके मतलब एक एंट्रेंस आपने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई कर लिया तो उसका स्कोर वैलिड होगा काफी समय तक, 1 साल या 2 साल के लिए। उसके बाद आप IBPS का पेपर दे सकते हैं, SSC का पेपर दे सकते हैं और RRB का पेपर दे सकते हैं। दिस इज द थिंग अबाउट सीईटी, और ये बिल्कुल टाइम टू टाइम होगा और उसके बाद इसका रिजल्ट आएगा। सीईटी कंडक्ट कराएगी आपकी NRA, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जो कि एक ऑटोनॉमस बॉडी होगी, ऐसा इन्होंने कहा था, ठीक है। NRA विल बी एन इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट, ही एडेड। ये कहीं बात है जितेंद्र सिंह ने, ये न्यूज आई थी, DOPT मिनिस्टर श्री जितेंद्र सिंह ने ये बात कही थी, ठीक है। और ये न्यूज आई थी आपकी February 2021 में, ठीक है। तब उन्होंने कहा था कि जो आपका सीईटी है वो September 2021 में हो सकता है पहली बार, ठीक है, जैसा आपको दिख रहा होगा। ये न्यूज आपको टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिंट, अलग अलग अखबारों में मिल जाएगी। तो कहने का मतलब है कि जो आपका सीईटी है वो शेड्यूल्ड था September 2021 में, तो क्या ये सितंबर में होने वाला है, इसका जवाब अभी होगा नहीं, नहीं होने वाला है मेरा मानना है। क्यों नहीं होने वाला है, क्योंकि हमें भी इसके बारे में कुछ नहीं पता है, ना ही इसका सिलेबस हमें मालूम है,
ना ही ये मालूम है क्या पेपर में आने वाला है, कितने चरण में एग्जाम होगा, कितने घंटे का एग्जाम होगा, कितने नंबर का एग्जाम होगा। वी नो नथिंग अबाउट इट, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, ना सिलेबस ना पेपर, कुछ नहीं मालूम है। सिर्फ इतना मालूम है पेपर होगा। ये हमारा हमारी हमारी हमारा गेस है, हमारा अनुमान है कि पेपर एसएससी की पद्धति पे ही होगा, एसएससी के पैटर्न पे ही होगा, ये हमारा अनुमान है। बट ऑफिशियली अगर आप एनआरए की वेबसाइट पर जाते हैं, अगर आप कहीं पे किसी सरकारी दस्तावेज की बात करें, तो कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं मेंटेन है मौजूद है जहां से मैं आपको बता सकूं कि आपका पेपर में क्या आने वाला है। तो अगर हमें उसके बारे में मालूम नहीं है और सरकार का ये कहना है कि सेप्टेम्बर में वो एग्जाम है, तो जब मैं आपसे एक वीडियो बना रहा हूँ 1 जून को, तो 1 जून के तक भी इसके बारे में कोई डिटेल अवेलेबल नहीं है। तो जुलाई, जून, जुलाई और अगस्त, 3 महीने हमारे पास बचते हैं। अगर कोई पेपर आपको कराना है तो मोस्ट प्रोबेबली सरकार एटलीस्ट 3 महीने पहले उसकी नोटिफिकेशन जारी कर देती है, उसके बाद आपको उस एग्जाम को कंडक्ट कराती है। तो कायदे से अगर होने वाला होता तो इसकी नोटिफिकेशन आ जाती, और अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आई है, तो देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी दैट दिस एग्जाम विल नॉट हेल्ड ऑन टाइम, ऑन समय पर यह एग्जाम नहीं होगा, और ये पहली बार होने जा रहा है। क्यों नहीं होगा, इसका रीजन आप सभी लोग जानते हैं। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसके थोड़ी देर पहले ये न्यूज आई है कि सीबीएसई के जो पेपर हैं बोर्ड्स के, वो कैंसिल हो गए हैं। तो अगर जहाँ पे आपके जो निशंक जी हैं एमएचआरडी मिनिस्टर, उन्होंने ये निर्णय लिया है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी खुद इसका संज्ञान ले रहे थे, तो कहने का मतलब है कि वो एक ऐसा इशू था जो बहुत ही ज्यादा डिबेटेबल था, एवरीबडी वॉज डिस्कसिंग अबाउट इट, इवन प्राइम मिनिस्टर तक हमारे उसके बारे में सोच रहे थे, और वो एग्जाम कैंसिल होता है। तो इसका एक जो क्लियर कट मैसेज है वो ये है कि अभी देश में ये स्थिति नहीं है कि एग्जाम्स कंडक्ट कराए जा सके। लेकिन एक बात है, वो एग्जाम बच्चों के लिए है, ये वयस्कों के लिए, यहाँ पे सब 18 से ऊपर वाले ही फॉर्म भर रहे हैं। तो लेकिन अभी तक ना ही एनआरए का कोई बहुत ही क्लियर कट बॉडी कट फॉर्मेशन हो गया है कि आपको मैं बता सकूं कि इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, अभी उसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है कि एनआरए का चेयरमैन कौन होगा, क्या होगा, कुछ के इसके बारे में भी नॉलेज नहीं है। तो अभी क्लियर कट एनआरए का भी गठन नहीं हुआ है और सीईटी के बारे में भी नॉलेज नहीं अवेलेबल है। तो चूंकि इतना समय पास आ गया है और जैसी न्यूज थी कि सेप्टेम्बर 2021 में पहली बार सीईटी कंडक्ट करा लिया जाएगा, ऐसा होता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे नहीं लगता कि सितंबर 2021 में अब ये एग्जाम हो पाएगा। ठीक है, अगर हो जाता है तो हमारे पास सिलेबस, अगर मान लीजिए फॉर्म आ जाता है, मान लीजिए मैं गलत हो जाता हूं, तो अच्छी बात है मैं गलत हो जाऊं, अच्छी बात एग्जाम हो, इससे अच्छी बात क्या होगी। तो मैं अगर गलत होता हूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगी। मैं इसी चैनल पे आपको बताऊंगा कि नोटिफिकेशन में क्या क्या है, क्या क्या सिलेबस है, क्या नहीं सिलेबस है, सारी बातें मैं आपको इसमें बताऊंगा। उसके बाद हम उसकी तैयारी कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको क्या करना है, पिछले वीडियो में जो कहा था वही आपको अभी भी करना है। आपको ये मान के चलना है भैया कि आपका पेपर सितंबर, अगस्त, जुलाई, अगस्त में होने वाला है, तो आप पढ़ाई को जारी रखिए, पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से पढ़ाई करिए। आपको एक सच्चाई बताता हूं, जो इन दिनों पढ़ लेगा वही एक अच्छा स्कोर करेगा। जो अभी ये इंतजार में लगा है ना कि जब नोटिफिकेशन आएगी, पेपर की डेट फाइनल होगी, तब हम पढ़ना शुरू करेंगे, तो उनसे वो लोग रेस में बहुत आगे निकल चुके होंगे जो अभी भी दौड़ रहे हैं। तो ये कछुआ खरगोश वाली रेस है, जो आप सोते रहोगे तो बाद में कवर नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आप ईमानदारी से पढ़ाई को जारी रखिए, बजाय इन सब चीजों के बारे में सोचने के कि सीईटी कब होगा, एसएससी कब होगा, एमटीएस कब होगा। कई लोगों का पिछले वीडियो में सवाल था कि एमटीएस क्या टाइम पर हो पाएगा जुलाई में, बहुत मुश्किल है, क्योंकि कई लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि आईबीपीएस तो देखो एसबीआई क्लर्क करा रहा है और आप कह रहे हो एसएससी नहीं करा पाएगा। तो कल ही नोटिफिकेशन आया है कि आईबीपीएस ने भी जो पेपर है वो डिले कर दिया है। ठीक है, आईबीपीएस ने भी जो एसएससी एसबीआई क्लर्क का पेपर था वो डिले हो गया है, और अभी उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं। तो मेन चीज ये है कि जो मैंने पिछले वीडियो में कही वही, कि पहले देश के हालात सुधरेंगे, उसके बाद चीजें ओपन की जाएंगी। जैसा कि कहा जा रहा है कि जून एंड तक या जुलाई फर्स्ट वीक तक धीरे धीरे चीजें ओपन होने लगेंगी और ऑलमोस्ट बाकी चीजें ओपन हो जाएंगी। तो जब सब कुछ चीजें लाइन पे आ जाएंगी, फ्लो में आ जाएंगी, तो फिर एग्जाम्स भी आपके कंडक्ट होने लगेंगे। क्योंकि अभी बड़ी चीजें हैं, लार्जर थिंग्स आर एट स्टेक, हमारा देश ही मतलब सेकेंड वेव से गुजर रहा है, थर्ड वेव की चिंता है, तो इस वजह से सारी चीजें डिले हो रही हैं। तो अगर मैं पूछूं कि ये होगा या नहीं होगा, तो इसके बारे में अभी तो यही कहूंगा कि बहुत मुश्किल है, ये अगर होता है तो अच्छी बात है, लेकिन अभी इसकी बहुत ही कम संभावना है कि सितंबर में आपका एग्जाम हो पाए। सो दिस वाज माय हाइपोथेसिस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड इट, एंड इफ यू डिड प्लीज डू लाइक
share and comment the comment on the video. Also do subscribe to the channel if you haven't. Also some other videos are also coming on the channel, like some interview, toppers interview, and word bomb is made easy sessions. So do subscribe to the session, like the video, comment करिए और बताइए आपको आपको क्या लगता है कि आपका एग्जाम ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ठीक है? और बहुत ही aggressive होने से बचिए कि मतलब नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, तो लड़ने वाली बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है, ये मेरी हाइपोथेसिस है, आपकी हाइपोथेसिस क्या कहती है आप कमेंट से बता सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, टेक केयर, थैंक यू सो मच.